हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगी ब्रुसेलोसिस के बारे में। जी हाँ, ब्रुसेलोसिस एक डिजीज़ है जो कि फिर से चाइनीज़ लैब से इन्वेंट हो चुकी है। तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि कोरोना वायरस भी चाइनीज़ लैब से ही आया है, और अभी तक हमारी जो पूरी दुनिया है उभर ही नहीं पाई थी। अभी तक कोरोना वायरस के कहर से कितने लाखों लोग अभी मर चुके हैं और कितने ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, ये सभी को पता है कि हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं अभी। मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या इस पूरे वर्ल्ड ने क्या क्या नहीं देखा इस कोरोना वायरस के चक्कर में। बट अब एक नई बीमारी आ गई है जिसका नाम है ब्रुसेलोसिस, एंड दैट इज कॉज्ड बाय वेरियस ब्रुसेला स्पीशीज, जो कि मेनली इन्फेक्ट करती है कैटल, स्वाइन, गोट्स, शीप एंड डॉग्स, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सबसे पहले बात करते हैं ब्रुसेलोसिस क्या है। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज और इसे माल्टा फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं ये बीमारी आई कहाँ से। तो एक साल पहले चीन के गांसू प्रांत की राजधानी लांचो में ब्रुसेलोसिस बीमारी का पहला केस आया था, और CNN रिपोर्ट के अनुसार ये इन्फेक्शन एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में लीक होने के कारण दिसंबर में हुआ था। और अभी के टाइम में लांचो में अराउंड 3,245 पीपल्स इन्फेक्टेड हैं और अभी ब्रुसेलोसिस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो अब बात करते हैं ये जो ब्रुसेलोसिस नाम का इन्फेक्शन है ये किस तरीके से फैलता है। तो ये आमतौर पर देखा गया है कि ये इन्फेक्शन जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। अगर कोई व्यक्ति रॉ या अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स इनटेक करता है या फिर मीट वगैरह जो कि प्रॉपरली कुक्ड नहीं है उसे इनटेक करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे ये बीमारी हो जाए। तो अब ये बात करते हैं ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो ब्रुसेलोसिस के साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं फीवर, जॉइंट पेन, फटीक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, हेडेक होता है, स्वेटिंग आती है। ओके, तो अब ये बात करते हैं ये किस किस तरीके से फैल सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको ज़्यादा तर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर से मम्मा के थ्रू बच्चों में पास हो सकता है, और अगर आपके कोई कट है, कोई स्क्रैच लगा है, तो भी आपकी जो स्किन है वो प्रोन है इस डिजीज के, एंड इट कैन आल्सो बी स्प्रेड फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और अभी रिसेंट की फाइंडिंग ये है कि ये जो डिजीज है ये इंडिया एंटर कर चुकी है, और ऑलरेडी इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। अभी को पता है इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड, तो यहाँ पे कंटेमिनेशन का मोर रिस्क है। तो यहाँ इंडिया के साइंटिस्ट भी अभी बहुत ज्यादा वर्ड है कि एक और पेंडेमिक आ चुका है, और मे बी इट कैन बी मोर सीवियर देन नोवेल कोरोना वायरस। चिंता की बात यह है कि अनलाइक COVID-19 जो कि बहुत न्यू केस था इंडिया के लिए, बट द इंसिडेंस ऑफ ब्रुसेलोसिस इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर केसेस आते रहते हैं। और अगर ये फिर से आ गई ये डिजीज़, तो जो पैंडेमिक हमारी COVID-19 है उसमें जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इसका भी कोई वैक्सीनेशन आया नहीं है। और ज़्यादातर खतरा फार्मर्स को है और जो लैब्स में काम करते हैं उन लोगों के हैं। बट अच्छी बात ये भी है कि इसमें एंटीबायोटिक्स वर्क करती है। सो वंस अ डायग्नोसिस इज मेड कि कोई भी पर्सन है उसको ब्रुसेलोसिस है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है एंटीबायोटिक, बट इट मे टेक फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इलनेस कि कब तक वो रिकवर हो सकता है। और ये कुछ डेज से लेके मंथ्स तक पता करने में बीत जाता है कि कोई भी आदमी इस डिजीज से संक्रमित है या नहीं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक ब्रुसेलोसिस पे, और मैं अवेयर कराना चाहती थी आप सबको कि ये न्यू डिजीज आ गई है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमें। अनपास्चराइज मिल्क एंड चीज़ नहीं खाना है, मीट वगैरह को हम प्रॉपरली कुक कर लें,
और ये सारे हमें प्रिकॉशंस लेने। तो फ्रेंड्स, होप ये मेरा जो वीडियो है ये आपको यूज़फुल लगा है, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाइए कि ये भी एक कोविड की तरह ही एक डिज़ीज़ आ चुकी है, तो हमें ये प्रिकॉशंस लेने हैं। सो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर and stay healthy and stay safe.